अली कहाँ है भाई? कहा भी है उससे के मुराकबा किया करे। कहाँ है भाई अली? उसको खेल कूद का बहुत शौक है, फिटनेस क्लब गया होगा। बेटा, गया वक्त वापस नहीं आता। ये इल्म सीख लो, जिंदगी संवर जाएगी। मैं सारी जिंदगी बैठा नहीं रहूंगा। अच्छा बाबा, मैं सीख लूंगा ना। अली, चाय ले लो। मामा, मैं बाइक की रेस में जा रहा हूँ, बाबा को नहीं बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मामा। मामा, मैं 2 दिन के लिए पिकनिक पे जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़ मामा। अली, मैं फिर आऊंगा। अली, मैं फिर आऊंगा। पता नहीं बाबा की इस बात का क्या मतलब है।
मामा अली बाबा की डायरी पढ़ता है। 25 दिसंबर अली 4 साल का हो गया है। बहुत खुशी का दिन है, लेकिन घर में खाने पीने को कुछ नहीं था। अली को सालगिरह का तोहफा भी देना था। नौकरी छूट चुकी है, कहीं काम भी नहीं मिल रहा था। मैं मुंशी करमदास के गोदाम चला गया और सारा दिन बोरियां उठाता रहा। अली के लिए खिलौना खरीदा, उसे खिलौना दिया। उसकी खुशी देखकर सारी थकन दूर हो गई। इक्कीस जनवरी अली को स्कूल से घर ला रहा था। अली ने फरमाइश की आइसक्रीम खानी है। बटवे में कुछ ही पैसे रखे थे, जिसका दोपहर को खाना खाना था। उसकी अली को आइसक्रीम दिला दी। तेईस जनवरी मुलाजमत के लिए इंटरव्यू देने गया था। मेरे कपड़े फटे हुए थे, मैं नर्वस हो रहा था। इंतजार के बाद नंबर आया। इंटरव्यू के दौरान मैंने कहा, मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं कर सकता हूं। मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। मगर उन्होंने माजरत कर ली और मुलाजमत नहीं हुई। चौबीस जनवरी कहीं मुलाजमत नहीं मिल रही थी। ठिए पे अखबार बेचना शुरू कर दिया। पच्चीस जनवरी फीस की अदायगी ना होने की वजह से अली को स्कूल से निकाल दिया गया। वो घर आया, मुझे सख्त बुखार था। उसी हालत में किसी छोटे मोटे काम की तलाश में चला गया। कोई काम नहीं हो सकता है तो आते क्यों हो? फिर बोलता है पैसे बढ़ा के दो, पैसे बढ़ा के दो। मैं सारी जिंदगी बैठा नहीं रहूंगा बाबा। मैं सारी जिंदगी बैठा नहीं रहूंगा। मैं सारी जिंदगी बैठा नहीं रहूंगा बाबा।
बेटा, तुमने लहरों का इल्म सीखना है। अगर हम जिंदगी का तज्ज़िया करें तो ये बात सामने आती है कि जिंदगी के रोज़ शब और माह साल आधे से ज्यादा मायूसी और बेचैनी में गुजर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम नहीं जानते कि वो कौन सा रास्ता है जिसमें मुसर्रत की रोशन कंदीलें अपनी रोशनी बिखेर रही हैं। वो कौन सी फिजा है जिसमें शबनम मोती बन जाते हैं। वो कौन सा माहौल है जो मुअत्तर और पुरसुकून है। वो कौन सी खुशबू है जिससे शऊर रोशन हो जाता है। इंतकाले ख्याल ऐसे इल्म का नाम है जिसके जरिए एक बंदा अल्लाह की मखलूक के दिलों में अपने ख्यालात और तर्ज फिक्र को मुंतकिल करता है। سلام آیا پیام آیا تمام انبیاء کرام کا مشن ہے کہ وہ اپنی طرز فکر جو انہیں اللہ رحیم و کریم ہستی کی طرف سے بطور خاص ودیت ہوئی ہے سے اللہ کی مخلوق کو فیضیاب کریں۔ उन्हें मायूसी और शैतनत से निजात दिलाएं। आज नौ आदम भलाई, मोहब्बत और सुकून से वाकिफ है सिर्फ इसलिए कि अंबिया कराम ने अपनी लहरों को आलमीन में फैला दिया है। इंतकाले ख्याल की इल्मी तौजी ये है कि कायनात में हर शय का कयाम लहरों पर है। हर शय की जिंदगी लहरों पर रवां दवां है। इन लहरों की मुअय्यन मकदारों से अलग अलग मखलूक तखलीक हुई है और रोज़ शब ये सिलसिला मुस्तकिल जारी है, घट रहा है और बढ़ रहा है। हुजूर कलंदर बाबा औलिया अजीम रूहानी साइंसदान हैं। उन्होंने इस इल्म की थ्योरी बयान की है और अमली मुजाहरा भी किया है। एक दफा बारिश के पानी पर उन्होंने जहनी तवज्जो मरकूज की तो वो सच्चे मोती में तब्दील हो गया। अली ये दुनिया आरजी कयामगा है। याद रखो, मरने का मतलब फना होना नहीं है बल्कि मौत नई जिंदगी का तारुफ कराती है। मरने वाला फर्द दूसरी दुनिया में पैदा होता है। आओ तुम्हें नेक आदमी के सफर आखरत का मुशाहिदा कराते हैं।
फरिश्ते नेक आदमी को नहायत ताजीम के साथ ले जाते हैं। वो फर्द फरिश्तों के हमरा आन की आन में आसमान पर पहुंच जाता है। पहले आसमान का दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर एक फरिश्ता जो आसमान का गेट कीपर या दारोगा होता है, नामाए एमाल देखता है। एक नजर डालकर कहता है कि ठीक है, जाओ। फिर रूह लिफ्ट या सीढ़ी से दूसरे आसमान पर पहुंचती है। यहां दूसरे आसमान का दारोगा नामाए एमाल देखकर आगे जाने का हुक्म देता है। नेक रूह इस तरह सफर करती हुई छठे आसमान तक पहुंच जाती है। यहां जन्नत का दारोगा रिजवान फर्द को अंदर जाने की इजाजत देता है। दाखिल होते ही कई फरिश्ते उस फर्द के साथ हो जाते हैं। हर तरफ से रूहें सलाम भेजती हैं और वो फर्द जन्नत में अपने मुकाम पर रिहाइश इख्तियार कर लेता है। अली तुम्हें अब जन्नत की सैर कराते हैं।
जन्नत की फजा में हर तरफ हरियाली है। खूबसूरत दरख्त और अनमोल पौधे हैं। आओ हजरत लाल शहबाज कलंदर साहिब के बाग की सैर करते हैं। इस बाग में क्या कुछ नहीं है, सभी कुछ मौजूद है। ऐसे परिंदे हैं जिनके परों से रोशनियां निकलती हैं। बे इंतहा खूबसूरत फूल हैं। एक एक फूल में बेशुमार रंग हैं, और ये रंग महज रंग नहीं हैं, बल्कि हर रंग रोशनी का कुमकुमा है। जब हवा चलती है तो ये रंग आमेज रोशनियों से मुरक्कब फूल ऐसा समा पैदा करते हैं कि मालूम होता है कि हजारों लाखों रोशनियों के रंग बरंगे कुमकुमे दरख्तों और पौधों में झूल रहे हैं। दरख्तों में खास बात यह है कि हर दरख्त का तना, शाखें, पत्ते, फूल, फल एक दायरे में तख्लीक किए गए हैं। हवा चलती है तो साज बजने लगते हैं जिनमें इतना कैफ होता है, आदमी का दिल विजदान से मामूर हो जाता है। बाग में अंगूरों की बेलें भी हैं जिनका रंग गुलाबी और नीला है। और ये हमारी दुनिया के बड़े सेब की तरह हैं। इस बाग में आबशारें और साफ शफाफ दूध जैसे पानी के चश्मे भी हैं। समा ऐसा है जैसे सुबह सादिक के वक्त होता है, या बारिश थमने के बाद सूरज गुरूब होने से पहले होता है। तुम मुराकबा करो कि एक गेंद है, उसमें नीले रंग की रोशनियां भरी हुई हैं जो दिमाग में घूम रही हैं। रोशनियां सूरज की किरणों की तरह ऊपर पड़ रही हैं, दिमाग में जज्ब होकर पूरे जिस्म में दौड़ करके पैरों से निकल रही हैं। इस मश्क से दिमाग में हल्कापन महसूस होता है और कशिश सकल खत्म हो जाती है।
बेटा ये किन चक्रों में पड़े हुए हो, ये सब इमेजिनेशन है। मावराई उलूम के लिए ये कहकर गुजर जाना कि ये सब कुव्वत मुतखय्यला है, दरअसल जिंदगी से फरार है। ये बातें ऐसे अफराद करते हैं जो हकीकत को समझना नहीं चाहते। दर हकीकत हमारी सारी जिंदगी ख्यालात के ताने बाने से बनी हुई है। हुजूर कलंदर बाबा औलिया ने ताने बाने से बनी हुई तखलीक को नस्मा कहा है और वजाहत फरमाई है कि नस्मा मुफरद से जिन्नात और जिन्नात की दुनिया और नस्मा मुरक्कब से आदमी और आदमी की दुनिया तखलीक होती है। ये इल्म सीखने के लिए नर्म तबीयत, गुदाज दिल और आजाद जहन होना जरूरी है। ये बात पूरी तरह जहन नशीन होनी चाहिए कि मखसूस नजरियात की हदबंदियां, इंतहा पसंदी, खुद को एक दो या ज्यादा उलूम में यकता समझना नाकिस तर्ज फिक्र है, जो आदमी को आजाद जहन और यकसुई से महरूम कर देती है। अब तुम एक दायरा बनाओ, दायरे का साइज रुपए के बराबर हो, उससे 4 फिट के फासले पर बैठ जाओ और पलक झपकाए बगैर देखना शुरू कर दो। 5 मिनट से इब्तिदा करके 15 मिनट तक ले जाओ। We'll be right back.
अरे शाहरुख, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा तुम किताब पढ़ रहे हो। यार मैं टेलीपैथी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर क्यों? मेरे कॉलेज में जो लड़कियाँ हैं उनके ख्यालात मालूम करने के लिए। हमारी इस कायनात में कुदरत के बेशुमार कवानीन कारफरमा हैं। कुछ तो हमें मालूम है लेकिन बहुत सो से हम ला इल्म हैं। कुदरत ने हमारे अंदर ये सलाहियत रखी है कि हम दूसरों के दिलों का हाल मालूम कर सकते हैं, उनमें दाखिल होकर अगली और पिछली जिंदगी के अहम वाकयात देख सकते हैं। मगर एक बात याद रखो, आदमी की असल शनाख्त उसकी सीरत और अखलाक है। अपना महासबा करते रहो। अगर किसी की सीरत काबले इत्मीनान नहीं है तो उसे गलत रास्ते पर जाने में देर नहीं लगती। कुदरत ने इख्तियार दिया है कि सलाहियत को अच्छाई में इस्तेमाल किया जाए या बुराई में इस्तेमाल किया जाए। जो लोग ताकत हासिल करने के बाद बेजा फख्र और घमंड के नशे में गैर अखलाकी और गैर इंसानी हरकत शुरू कर देते हैं वो बिलाखिर मकफात अमल का शिकार हो जाते हैं। अब तुम जिक्र नफी असबात शुरू करो। La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
आप ये मशकें बंद कर दें। ये मशकें उस्ताद की निगरानी में करनी चाहिए। अगर आप मशक नहीं छोड़ेंगे तो आपका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ सकता है। अली लोगों का रूहानी इलाज करता है। अली गरीब बच्चों को किताबें दिलाता है। अली को पौधों, दरख्तों, परिंदों के एहसासात मालूम हो जाते हैं। अली तोते को देखता है, सोचता है, अरे ये भूखा है, उसे खाने को देता है। अली कबूतरों को दाना डालता है। अली पौधों को पानी देता है। बेसहारा और मोहताज अफराद की मदद करता है। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अजीम रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शम्सुद्दीन अजीमी साहब फरमाते हैं, आदमी ऐसी जिंदगी चाहता है जो फना से ना आशना हो, ऐसी सूरत चाहता है जो बीमारियों से मुतासर ना हो, ऐसी जवानी चाहता है जो बुढ़ापे में तब्दील ना हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ख्वाहिशात की तकमील के लिए अफराद सारी जिंदगी दुनिया का सामान इकट्ठा करते रहते हैं। कितनी अजीब बात है कि मरने के बाद लोग उनके नाम भी फरामोश कर देते हैं। दूसरी तरफ वो पाकीजा हस्तियां हैं जिनके जिक्र से आज भी सर अकीदत व मोहब्बत के जज्बात से झुक जाते हैं। जब तक ये मुकद्दस हस्तियां आवाम में मौजूद रहती हैं, शमा बनकर ईसार करती रहती हैं, और जब पसपर्दा चली जाती हैं, तब भी लोग उन्हें याद रखते हैं, इसलिए कि उन्होंने जाती गर्ज और खुद पसंदी को बालाए ताक रख दिया। माया जाल उन्हें अपने गिरफ्त में नहीं ले सका। उन सब सईद रूहों ने ये राज जान लिया था कि खुद से गुजरे बगैर खुदा नहीं मिल सकता।
बाबा जिंदा हैं? बाबा 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 ये की कीता है? सॉरी भाई बाबा 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 ये दुनिया मुसाफिर खाना है और इम्तिहान गाह है। यहाँ हर फर्द किसी न किसी इम्तिहान में मसरूफ अमल है। मकसद ये है कि आदमी मुसाफिर खाने को मंजिल ना समझे और इम्तिहान में कामयाब होकर अपनी जिंदगी का कोई रुख मुतय्यन कर ले। जब कोई फर्द या कौम सिरात मुस्तकीम से भटक जाती है तो वो हालात की चक्की में पिसने लगती है, ताकि सऊबतों, परेशानियों और अदम तहफ्फुज के जहरीले एहसास से महफूज रहने के लिए वो रास्ता तलाश कर ले जो फला और सलामती का रास्ता है। अली एक किरदार है जिसने वो रास्ता पा लिया है और उस पर सफर शुरू कर दिया है। सोचना ये है कि क्या हमने मावराई हस्ती से मोहब्बत का रास्ता तलाश कर लिया है और क्या उस पर खुलूस के साथ गामजन हो गए हैं? गौर कीजिए, गौर कीजिए, गौर कीजिए। Sahab te Quran